तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का विषय है, दैट इज हाउ टू क्रैक गेट एग्जाम विदाउट एनी प्रिपरेशन। ठीक है, हाउ टू क्रैक गेट एग्जाम विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब देखा मतलब आज से 3-4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज। ठीक है, एंड इट वॉज अ बिग हिट, स्टूडेंट्स ने को बहुत पसंद आया। स्टूडेंट्स ने उसके अंदर बताई हुई टेक्निक्स को अप्लाई किया और 7 दिन में गेट निकाला है सभी स्टूडेंट्स के ब्रांचेस ने, तो सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स ने। अब हम उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। मतलब पिछली बार हम 7 दिन में कैसे गेट निकाले हम उसके बारे में बात करते हैं, आज हम बात करेंगे किस तरह से बिना किसी प्रिपरेशन के आप गेट एग्जाम को निकाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब अब देखिए, अब आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, कुछ बच्चों का कल भी एग्जाम होगा गेट का। गेट का एग्जाम पिछले 5-6 फरवरी से शुरू हो चुका है। ठीक है, आज 11 तारीख है, कल 12 है, परसों 13 है। ठीक है, कल कुछ स्टूडेंट्स का 12 तारीख को भी गेट का एग्जाम है, बाकियों का तो सबको गेट मैकेनिकल का एग्जाम 13 तारीख को तो है ही है। ठीक है, तो सिर्फ एक मतलब आज का दिन है, वो भी शाम हो चुकी है, दोपहर हो चुकी है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप प्रीवियस ईयर फॉर्मूले आप पढ़ लीजिए, तो या फिर मैं आपको बोलूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो या कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले याद कर जाओ, तो ये तो आप लोगों के साथ काफ़ी अन्याय होगा। ठीक है, वो भी ये कहने के बाद जब तब टाइटल ये है कि हाउ टू क्रैक गेट विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो इस पूरे डिस्कशन में वी विल मेक श्योर कि हम पढ़ाई के बारे में कोई भी बात ना करें, गेट के बारे में हम किसी भी तरह की कोई भी बात ना करें, मतलब इस चीज को पूरी तरह से इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अब बात यह है कि गेट के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो किस चीज के बारे में आप बात करना पसंद करेंगे? ठीक है, आप ही बात कर सकते हो, आप नीचे कमेंट्स मेंशन कर सकते हो जो भी आपका रिप्लाई होगा। तो आइए चलिए बात करते हैं मूवीज के बारे में। ठीक है, मतलब मैं आपको बताता हूँ अपनी फेवरेट मूवीज, कुछ मतलब फेवरेट सीन्स बताना चाहूँगा आपको, मतलब जो मेरी फेवरेट मूवीज है उनके बारे में बताना चाहूँगा। मतलब 1995 के अंदर, 1995 तो उस टाइम मैं स्कूल में था, जेम्स बॉन्ड की मूवी आई थी गोल्डन आई के नाम से, 1995 की बात है ये। मतलब अब आपके दिमाग में पता क्या चल रहा है कि सर, चाहे आप जेम्स बॉन्ड की बात करो चाहे पुष्पा की बात करो, लास्ट में तो आप गेट पे ही आओगे। ठीक है, हाँ, तो टाइटल भी तो यही है ना, फिर हाउ टू क्रैक गेट विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो हम जेम्स बॉन्ड से या पुष्पा से इंस्पिरेशन लेंगे, ट्रिक्स लेंगे कि किस तरह से हम गेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो 1995 के अंदर एक जेम्स बॉन्ड की मूवी आई थी एंड इट वॉज अ बिग हिट, बहुत हिट गई थी उस टाइम। उसका जो स्टार्टिंग सीन था वो अभी भी मुझे बहुत क्लियरली याद है। स्टार्टिंग जो सीन था, मूवी शुरू कैसे होती है, जेम्स बॉन्ड एक बेसिकली एक पहाड़ी के ऊपर एक दुश्मन का बेस है, वहाँ वो फंसा हुआ है और वो अकेला है और पूरी की पूरी जो दुश्मन की पूरी आर्मी है, पूरी मतलब वो वहाँ पे है। ठीक है, और उसका सीन अगर किसी ने देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो गोल्डन आई प्लेन सीन के नाम से, गोल्डन आई मूवी का नाम है, प्लेन सीन बहुत पॉपुलर है। तो वो सिचुएशन कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाती है उसके अंदर कि प्लेन जा रहा है खाली। ठीक है, प्लेन जा रहा है रनवे पे और खाली चल रहा है, उसका इंजन ऑन कर देता है और जेम्स बॉन्ड बाहर गिर जाता है और जेम्स बॉन्ड उसके पीछे भाग रहा है, मतलब भाग रहा है, फिर बाइक मिल जाती है तो बाइक से प्लेन का पीछा कर रहा है और जो दुश्मन है ना वो बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, मतलब वो हमारी बेस पे आगे खाई है तो जाएगा कहाँ। ठीक है, तो दुश्मन बोलते हैं कि फायरिंग मत करो, इसको छोड़ दो, देखते हैं क्या करता है। अब वो प्लेन आगे जा रहा है और जाके प्लेन खाई में गिर जाता है, जेम्स बॉन्ड बाइक पे जा रहा है वो भी खाई में गिर जाता है। ठीक है, और वो फिर प्लेन भी खाई में गिर रहा है, बहुत गहरी खाई है, और जेम्स बॉन्ड भी खाई में गिर रहा है और फिर वो कैसे ना कैसे करके उस प्लेन को पकड़ लेता है, उसके अंदर बैठता है गिरते गिरते और उसके वो प्लेन को लेके उड़ जाता है। ठीक है, सो दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स जो मैंने बचपन में कभी देखे थे। ठीक है, उसके बाद एक मूवी आई थी 18, ये शायद हो सकता है आप लोगों ने देखी, 2010 में आई थी, पार्ट वन की बात कर रहा हूं मैं। उस मूवी में क्या था कि मतलब बेसिकली जो टीम होती है पूरी, जो हीरो जो पूरी टीम है, ठीक है, वो लोग एक कार्गो प्लेन, एयरफोर्स का एक प्लेन चुरा लेते हैं, मतलब प्लेन नहीं है वो, पूरा बोइंग है, उसके अंदर टैंक्स रखे हुए और चुरा के निकल लेते हैं एयरपोर्ट से। अब उस प्लेन को पकड़ने के लिए पीछे ड्रोन्स लगा दिए हैं, ड्रोन्स मतलब जो अनमैंड एरियल व्हीकल UAV लगा देते हैं, तो वो जो UAVs है वो उनके बोइंग पे अटैक करते हैं। ठीक है,
और उनका इंजन इंजन फेल हो जाता है, ठीक है। अब आप किसी प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, अब वो प्लेन का भगवान ना करे इंजन फेल हो जाता है, आप क्या करो, क्या सोचोगे, क्या करोगे, ठीक है, भगवान से प्रे करेंगे, हमें पता है हम नहीं बच सकते, देयर इज नो वे आउट, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस प्लेन के अंदर टैंक्स पड़े होते हैं, ठीक है, जो मतलब होती होगी कोई टेक्निक, मतलब जैसे टैंक को घेरने की दुश्मन के एरिया में फटाफट से पहुंचाने के लिए, तो वो पैराशूट से जुड़ा हुआ होता है वो टैंक, ठीक है। तो वो टैंक के अंदर बैठ जाते हैं और जैसे ही प्लेन फटता है तो टैंक गिर रहा होता है, उसके पैराशूट खुल जाते हैं और वो जो टैंक है वो गिर रहा है, ठीक है, और तीन पैराशूट के सहारे वो धीरे धीरे उतर रहा है, दैट मीन्स नाउ दे आर सेफ। अब दुश्मन देख के वो भी हैरान किया, अरे चल गया रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर अब दुश्मन क्या करता है, वो फिर से गोलियों के बचाव करनी शुरू करता है और उनके जो पैराशूट है वो तीन होते हैं, तीन, ठीक है, उसमें से दो पैराशूट। अब आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, ठीक है, टाइम पास करें तो टाइम पास करेंगे अच्छे से बढ़िया वाला। तो तीन पैराशूट में से दो पैराशूट फेल हो जाते हैं, वो एक पैराशूट बचा, उससे बड़ी तेजी से टैंक नीचे आ रहे हैं, एंड नाउ दे विल डाई, ठीक है भाई। अब क्या है, जो हीरो है, जो उनकी पूरी टीम है, जो उसका हेड है, वो क्या करता है, वो बेसिकली जो टैंक की जो गन होती है, जो मतलब बैरल है, उसे मतलब जैसे इस तरह से 90 डिग्री घुमाता है और वो फायर करता है, ठीक है। तो जो दुश्मन है वो कैमरों से देख रहा है कि भी ये सब चल क्या रहा है, ठीक है। तो उसमें से फिर एक एनिमी के अंदर एक पर्सन बोलता है कि वो क्या हमारा ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो हीरो की टीम है, एक पर्सन उन्हें जानता है और वो बोलते हैं कि नो दे आर ट्राइंग टू फ्लाई द टैंक, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उन्होंने मैप के अंदर रिकग्नाइज किया है कि नीचे एक जगह लेक है, धरती पे गिरने से अच्छा है पानी में गिरा जाए, ठीक है। तो उन्होंने मतलब जो जैसे गन का रिकॉइल होता है, तो उन्होंने मिसाइल वो फायर करके फिर उन्होंने टैंक को इस तरह से ओरिएंट कर लिया कि अब वो लेक के अंदर जाके गिरेगा, जिससे इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है। उसके बाद वो जो बैरल है उसको नीचे की तरफ करते हैं और फिर जो गोलियां वो फायर करनी शुरू करते हैं, एंड वी आर इंजीनियर्स, वी नो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब भी गन से गोली निकलती है, एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जो टैंक है वो भी थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो फिर वो जैसे नीचे गिरने लगता है, फिर वो फायर करता है, फिर वो ऊपर थोड़ा जंप करता है, इससे झटके मार मार के वो उसे स्लो कर रहे हैं। अगर आपने सीन देखा है तो ए टीम टैंक सीन करके आप देख सकते हो, आपके पास परसों तक का गेट का टाइम है, पढ़ना आपने है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सफिशियंट टाइम है, हमारा हमसे टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब तो इस तरह से वो टैंक को सेफली उतार लेते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो ये थे दो मेरे कुछ फेवरेट सीन्स। मतलब द क्वेश्चन इज, जिस तरह से मेरे को, मैं इन सीन्स का फैन हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों में भी, शायद आप में से भी कुछ लोग हों, बट द थिंग इज, वो ऐसी क्या चीज है जो हमें मतलब अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। हम मूवीज देखते हैं, मतलब एवरी वन वॉन्ट्स टू बी ए हीरो, ठीक है। हम हीरो हमारे अपने फेवरेट हीरो हीरोइन होते हैं, ठीक है। आपको कोई हीरो पसंद है, कोई हीरोइन पसंद है, ठीक है, हमारे फेवरेट होते हैं, मतलब ऐसी वो क्या चीज़ है दैट वी एस्पायर टू बिकम दैट पर्सन, ठीक है। मतलब यार कुछ ऐसा, हम मतलब जब बच्चे होते हैं, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है। अगर आप सोचो तो, और अगर आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी हो, तो बेसिकली एक सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक जो इन सभी मतलब करेक्टर्स में होता है, ठीक है, दीज आर ऑल फिक्शनल करेक्टर्स, ऐसा जो भी कुछ मैंने आपको भी सुनाया है रियलिटी में फिजिबल नहीं है, हम जानते हैं, पर वो एक चीज जो इन सभी करेक्टर्स के अंदर दर्शाई गई है, वो ये कि जो पर्सन है वो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानता, ठीक है, कभी भी। मतलब चाहे सिचुएशन कितनी ही एडवर्स क्यों ना हो, वो कभी भी मतलब जो डिफीट है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, एंड ही ट्राइज टू फिगर अ वे आउट कि यार इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकला जा सकता है। और यही वो एक सिंगल मतलब करेक्टरिस्टिक है जो मतलब जो हीरोज होते हैं, जो हीरोइंस होती हैं, ठीक है, मतलब ये उन्हें इतना अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है। मतलब वी ऑल, मतलब जब, अब तो हमें पता है कि रियल लाइफ क्या होती है, बट जब हम छोटे थे, वी ऑल एस्पायर टू बी, मतलब हम देख रहे द ट्रांसपोर्टर, द मैकेनिक, ठीक है, क्रैंक, ठीक है ना। तो ये एक वो ऐसी चीज़ है जो मतलब
हमें मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड दैट इज किसी भी सिचुएशन के अंदर, चाहे वो कितनी ही एडवर्स क्यों ना हो, चाहे हमें पता है कि यार इस सिचुएशन में अब कुछ नहीं हो सकता, बट स्टिल वी डोंट लूज होप, हम उम्मीद नहीं छोड़ते, एंड वी गिव अ ट्राई. ठीक है, मतलब मेरी फेवरेट स्टोरी है, एक बंदा हर रोज मंदिर में जाके 20 साल तक हर रोज मंदिर में जाके बोलता है भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे, मेरी लॉटरी लगवा दे, हर रोज प्रे करता है. और एक दिन भगवान जी मतलब प्रकट हो जाते हैं उसके सामने और बोलते हैं कि एक बार लॉटरी खरीद ले. ठीक है, मतलब जब तक हम खुद ही कुछ नहीं करेंगे तब तक भगवान भी क्या करेगा. ठीक है ना, मतलब कहते हैं ना जैसे हम भगवान भरोसे गाड़ी चल रही, जब आप कुछ नहीं करोगे तो गॉड भी क्या करेगा. ठीक है ना, और मैं आपको बताऊं मतलब, चलिए मैं ये तो थी फिक्शनल स्टोरीज, मैं एक रियल स्टोरी आपके साथ मतलब शेयर करता हूँ, एक ऐसे पर्सन जिसको मैं जानता हूँ पर्सनली. ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी. मतलब पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी पर्सन की, अगर किसी कंपनी में कहीं पे अगर एक क्लैरिकल जॉब अगर लग जाती है, क्लैरिकल जॉब, तो आप उसे कितनी बड़ी अचीवमेंट मानेंगे? मतलब आज की डेट में जब हम मतलब यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं, मतलब फेसबुक सीईओ, टेस्ला के मालिक, और मतलब जब इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आ रही हैं, लोग बहुत बड़ा अचीव करते हैं, एक क्लैरिकल पोस्ट की जॉब निकालना आपके हिसाब से कितनी बड़ी अचीवमेंट है? मतलब इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग. ठीक है ना, पर मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ, मतलब ही वॉज फ्रॉम, ही इज फ्रॉम अ रियली वेरी वेरी पुअर बैकग्राउंड, बहुत ही पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से वो पर्सन था. उन्होंने एज अ सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने एक कंपनी में जॉब करी, और वो स्पेशली मतलब क्या है कि रात की शिफ्ट लेते थे. दिन में वो पर्सन मतलब व्हेन ही वाज अ किड वो स्कूल जाता था, स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन फ्री होती तो वो स्कूल जाते थे, और मतलब रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के ड्यूटी देते थे प्लस पढ़ाई करते थे. इस तरह से उन्होंने अपनी पूरी पहले स्कूलिंग करी, फिर बाद में उन्होंने मतलब कॉलेज की जो ग्रेजुएशन वगैरह थी वो करी, कुछ डिग्रीज उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस से करी, कुछ रेगुलर जो भी था उनका. फाइनली उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब निकाली है, मतलब प्रेजेंटली वो एक क्लैरिकल पोस्ट पे है. ठीक है ना, तो उन्होंने पहले तो मतलब अपने आप को सेट किया, उसके बाद उन्होंने फिर जब वो खुद एक पोजिशन पे आ गए, फिर उसके बाद उन्होंने अपने दो ब्रदर्स को सेट किया, उन दोनों के काम उन्होंने सेट करवाए, अब उन्होंने घर बना लिया है, मैरिज हो गई, आगे बच्चे हैं, उन्हें अच्छा पढ़ा रहे. ठीक है ना, तो अब बेसिकली सच्ची बताओ अगर रियल लाइफ की बात करें तो मेरे लिए मतलब ही इज़ अ हीरो, मतलब ही इज़ एन इंस्पिरेशन. मतलब वो कहाँ थे और वो किस तरह से एडवर्सिटीज से लड़ के वो कहाँ तक पहुँचे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने हार नहीं मानी. ठीक है ना, तो राजी मतलब हमारे पास मतलब ठीक है, हवाई जहाज से गिर के बचे वो मतलब सिचुएशन हमारी लाइफ में नहीं हो सकती, ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, पर हाँ मतलब जो रियल लाइफ में जो सिचुएशंस हमारे सामने आती है, मतलब रियल लाइफ हमें चांस देती है टू बिकम ए हीरो. ठीक है, तो राजी मैं आपको ये बात बोलूँगा कि किसी भी सिचुएशन के अंदर, मतलब चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, हमें नहीं मतलब यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान है, पर स्टिल आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इज देयर अ वे आउट. आपको सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ कि ठंडे दिमाग से, बिना मतलब अपना बैलेंस खोए, मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए उस सिचुएशन से बाहर निकलने की, एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जब मतलब अब दो दिन बाद गेट का एग्जाम है, और राजीव मैं ना मतलब जब आपने टाइटल पढ़ा होगा ना हाउ टू क्रैक गेट विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो मतलब आप हंसे भी होंगे, और मतलब मेरे ख्याल से आप उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन करी ही नहीं. ऐसे राजे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते थे तो जो किसी रीज़न की वजह से प्रिपरेशन कर नहीं पाए. ठीक है, मतलब मेरे ऐसे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, ठीक है, जिनसे मैं फ़ोन पे इंटरेक्ट करता हूँ, दे टोल्ड मी ऐसी, मतलब रिसेंटली एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उसने बोला कि सर मेरे को कोविड हो गया था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, अब मैं बहुत वीक हूँ, और मतलब मैंने प्रिपरेशन की थी पर अब मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे मतलब दिमाग उस लेवल पे प्ले नहीं कर रहा. एक स्टूडेंट का, और ये तो मतलब अब बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वाली वेव की, जिसमें हम कह रहे हैं कि चीज़ें इतनी फेटल नहीं है. ठीक है, तो पहले तो क्या हुआ होगा. एक स्टूडेंट का फोन है, वो बोल रहे कि सर मेरी पूरी फैमिली कोविड से इस वक्त मतलब जूझ रही है, सफ़र कर रही है, और मतलब मैं उनकी केयर करने में बिजी हूँ, मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा. किसी का फ़ोन आया कि सर मेरे पेरेंट्स की जॉब चली गई है और इस वजह से अब मुझे जॉब करनी पड़ी है, मार्केट में जॉब्स तो है ही नहीं.
ठीक है, मैं जब कोई कहते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, यानी कि मतलब वो कुछ भी काम करके कुछ भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है घर चलाने के लिए, क्योंकि बिल्स तो पे करने ही है, ठीक है। तो सर मैं जॉब कर रहा हूँ, पढ़ाई का टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो इस वजह से मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। एक स्टूडेंट से बात हुई, उसने बोला कि सर मैंने मतलब आपको ज्वाइन करने से पहले कहीं पैसे भरे थे, वो क्लासेस लगी नहीं तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, ऑफलाइन उन्होंने कहीं ज्वाइन किया हो। तो मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते थे, जो किसी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से कर नहीं पाए, ठीक है। तो राजी मतलब मैं आप सब लोगों को सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि देखो मतलब जब एग्जाम चल रहा होगा, अब आपने फॉर्म तो भर ही रखा है, ठीक है, आप पेपर देने भी जाओगे, तो पेपर में बैठ के ना सोचना मत कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, कुछ मत सोचना। उन 3 आवर्स के अंदर आप लोग सिर्फ बैठ के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना, मतलब एग्जाम में इंग्लिश भी आती है, एप्टीट्यूड भी आता है, मैथ्स भी आता है, ठीक है। आपने इंजीनियरिंग की है तो ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। तो मतलब सोचने की बजाय कि काश मतलब चीजें मेरी फेवर में होती, हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग है, काश मतलब मैं कर पाता, ये सब सोचने की बजाय, ये सब आप बाद में बैठ के आराम से सोच सकते हो, ठीक है, बाद में बैठ के आप आराम से सारी चीजें सोच सकते हो, ठीक है। पर ये सब सोचने की बजाय आप एग्जाम के अंदर वो जो 3 घंटे, आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मतलब देखिए रजे, अगर इन केस अगर आपने मेरे मैकेनिकल के वीडियोस देखे हैं, प्रीवियस सॉल्यूशंस देखे हैं, तो मतलब आप जानते हो कि जिस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपनी 9th, 10th या 11th, 12th की बेसिक एजुकेशन से, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो एग्जाम में बैठ के। ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास बहुत सारा टाइम है अभी, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर मैं वर्ड यूज करता हूँ शोक मनाने की बजाय, रोने पीटने की बजाय, आप कोशिश कीजिए जितने क्वेश्चंस हो सके, चाहे एक क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन हुए, जहां तक जितना हो सके आप अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप मतलब कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो भी हो पाए, हो सकता है एक भी ना हो पाए, हो सकता है 1, 2, 3 हो जाए, हो सकता है 20 क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप कोशिश कीजिए। राजे ठंडे दिमाग से सोचने में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मतलब कुछ नहीं होता, प्रिपेयर नहीं कर पाए किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में बस जब जाओगे तो वहां खाली मत बैठना, हर क्वेश्चन को ट्राई करना, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस निकल जाए, हो सकता है गेट निकल जाए, ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट इट विल बी एन एक्सपीरियंस, ठीक है, एटलीस्ट इट विल बी एन एक्सपीरियंस, मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था 4-5 साल पहले टोटके के नाम से, वो भी जिस बच्चे ने वो टेक्निक इस्तेमाल करी है, जिसने, मेरे भाई 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिसने वो टेक्निक इस्तेमाल करी है, वो मतलब उसका ये वाला गेट चाहे जैसा भी गया, नेक्स्ट गेट जो है उसमें उसको उसका मनचाहा रिजल्ट मिला है, ठीक है। टेक्निक तो लंबी चौड़ी उस पूरे टोटके वाले वीडियो में समझा रखी है, पर मतलब उसका सार यही है कि मतलब ये जो आप ये वाला गेट दे रहे हो, इसके अंदर आपको पूरा एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किन एरियाज पे हमें फोकस करना चाहिए, वो सारी चीजें, मतलब ये जो एक अपॉर्चुनिटी है ये 1 साल बाद आती है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। एग्जाम में बैठ के भाई कुछ ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब तक नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ सकते तो वर्ल्ड इट्स रियली वेरी गुड, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, पर ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप एक वीडियो, यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो बैठ के, तो इसका मतलब आप पढ़ने के मूड में तो नहीं हो, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप एग्जाम के अंदर जाएं तो प्लीज कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मतलब अगर आपको कोई भी फ्रेंड है जो गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उसे बता देना भाई मैं 100 स्टूडेंट्स पर्सनली मेंटोर कर रहा हूँ, 100 स्टूडेंट्स को उन्हें पर्सनली कोच करूंगा, जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसमें पर्सनली खुद, मेरी आगे कोई टीम नहीं है, ठीक है, एक एक डाउट मैं खुद क्लियर करूंगा, लाइव क्लासेस वगैरह लूंगा, ठीक है ना। तो 100 स्टूडेंट्स मैं कोच कर रहा हूँ, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो चाहता है मुझे ज्वाइन करना, एंड्रॉयड ऐप है मनीष चंदन गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स चाहिए होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना।
एंड फ्रेंड्स विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। नीचे बाद में एग्जाम के बाद कैसा हुआ नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है? मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा ही बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपको कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो प्रिपेयर नहीं कर पाया किसी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से और अब टूटा हुआ है अंदर से एंड ही नीड्स अ होप, तो आप इस, अगर आप चाहें तो इस लेक्चर के लिंक को अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।